Good morning, children. Now in this session we are going to do activity of chapter 2 class 3, that is fundamentals of computers. Let's start. The smartphone or a tablet that we use is also a computer. जो भी हम लोग घर पे स्मार्टफोन और टैबलेट यूज करते हैं चिल्ड्रन, इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ए कंप्यूटर. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एक्टिविटी. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंप्यूटर्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो दैट यू मे यूज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टास्क एंड राइट द सीरियल नंबर ऑफ द टास्क इन द एप्रोप्रिएट बॉक्स. नाउ आपको इस एक्टिविटी में क्या बोल रहा है, एक्टिविटी से ही आपको आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ कंप्यूटर इस बॉक्स और यू मे यूज द फॉलोइंग टास्क. क्या क्या टास्क आपको दिया हुआ है नीचे में, यू कैन सी द टास्क, द डिफरेंट टास्क. यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर पर्पस के हिसाब से दिया हुआ है. सीरियल नंबर्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड द पर्पस इज, फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग अ ग्रीटिंग कार्ड यूजिंग पेंट ब्रश. ठीक है, पहला जो दिया हुआ है क्रिएट ए ग्रीटिंग कार्ड यूजिंग पेंट ब्रश, ये आपका पर्पस दिया हुआ है. यहाँ पे फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर दिया, फर्स्ट वन इज डेस्कटॉप, द सेकंड वन इज लैपटॉप, द थर्ड वन इज स्मार्टफोन एंड द फोर्थ कंप्यूटर इज टैबलेट. तो इसमें जो टास्क दिया हुआ है फर्स्ट वाला टास्क, ये जो फर्स्ट टास्क आपको दिया हुआ है क्रिएट ए ग्रीटिंग कार्ड. अब ग्रीटिंग कार्ड अगर आपको बनाना है तो इसके लिए कौन सा कंप्यूटर को आप यूज करेंगे, तो आई थिंक इसके लिए हम लोग पेंट ब्रश है अगर, तो इसके लिए हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर का यूज़ करेंगे क्योंकि माउस बहुत अच्छा होता है ग्रीटिंग कार्ड बनाने में, इट इज़ हेल्पफुल. तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, वन नंबर. ठीक है, सिमिलरली सेकेंड में क्या है, प्ले योर फेवरेट मूवी गेम वाइल ट्रैवलिंग. आप ट्रैवल आप कर रहे हो तो आप गेम किस में खेलोगे, ऑब्वियस हम लोग किस में खेलेंगे, स्मार्टफोन में खेलेंगे, तो यहाँ पे टू लिख दिए हम लोग. थर्ड, क्लिक पिक्चर्स ड्यूरिंग ए वैकेशन और रिकॉर्ड ए वीडियो. पिक्चर्स क्लिक करना है या वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो वो भी हम लोग किस में करेंगे, स्मार्टफोन से ईजिली हो जाएगा, तो थ्री नंबर भी स्मार्टफोन ही जाएगा, है ना. सिमिलरली सेट एन अलार्म, अलार्म सेट करना है आपको, तो हम लोग मोबाइल में अलार्म सेट कर लेते हैं आराम से, तो स्मार्टफोन यहाँ पे भी है. नेक्स्ट, सेंड ए शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज. शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज के लिए भी द मोस्ट यूजफुल कंप्यूटर इज स्मार्टफोन, तो फाइव नंबर भी यहीं पे आएगा. सिक्स, टाइप एंड सेंड एन ईमेल, टाइप करना है और फिर ईमेल को सेंड करना है, फाइव नंबर, नहीं सॉरी सिक्स, टाइप एंड सेंड एन ईमेल, ये हम लोग मोबाइल से कर सकते हैं टाइप एंड सेंड एन ईमेल, बट ये हम लोग सिक्स नंबर टैबलेट से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं, तो सिक्स नंबर सब में आएगा, कॉमन है सब में. ठीक है, नेक्स्ट है व्यू ए फाइल स्टोर्ड ऑन योर डेस्कटॉप. अब डेस्कटॉप पे कोई एक फाइल है उसको आपको देखना है, तो उसको कैसे देखेंगे चिल्ड्रन, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डेस्कटॉप का यूज़ करेंगे. देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप दिया हुआ है, सेवन डेस्कटॉप में यूज़ करेंगे, सेवन नंबर. सिमिलरली नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग देखते हैं, वॉच अ मूवी विथ योर फैमिली बाय कनेक्टिंग टू टीवी. तो ये हम लोग डेस्कटॉप पे करेंगे, क्योंकि डेस्कटॉप में हम लोग टीवी ट्यूनर कार्ड लगा सकते हैं और कनेक्ट करके टीवी देख सकते हैं, लैपटॉप में भी कर सकते हैं कनेक्ट करके. ठीक है, तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, काउंट विच बॉक्स हैज़ गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज एंड राइट द नेम ऑफ कंप्यूटर टाइप इन द स्पेस प्रोवाइडेड. किस काउंट करना है, किस बॉक्स में सबसे ज़्यादा नंबर का एंट्री हुआ है, किस में. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो स्मार्टफोन में सबसे ज़्यादा एंट्री हुआ है ना, तो हम लोग लिखेंगे स्मार्टफोन टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. नाउ एक्टिविटी टू, ऑब्जर्व द लैपटॉप एंड ए टैबलेट एंड राइट एनी टू डिफरेंसेस एंड द सिमिलैरिटीज इफ एनी बिटवीन द टू. तो क्या डिफरेंस है आपको लैपटॉप में और टैबलेट में वो लिखना है. तो हम लोग सब जानते हैं लैपटॉप का जो साइज है वो क्या होता है, लार्जर इन साइज, जबकि टैबलेट का साइज जो है कंपैरेटिवली क्या होता है, स्मॉलर इन साइज होता है लैपटॉप से.
लैपटॉप इज लेस हैंडी है। लैपटॉप क्या होता है, लेस हैंडी होता है, जबकि टैबलेट जो है मोर हैंडी होता है ना। अगर देखा जाए तो हम लोग टैबलेट को जितना आसानी से हैंड में रख करके इजली मूव कर सकते हो, उतना लैपटॉप में देयर इज सम डिफिकल्टीज, थोड़ा सा तो है, इसीलिए ये मोर हैंडी होगा टैबलेट। सिमिलैरिटीज क्या है लैपटॉप और टैबलेट दोनों में, तो बोथ कंप्यूटर्स कैन बी फ्रिक्वेंटली शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दोनों कंप्यूटर जो है क्या हो सकता है, फ्रिक्वेंटली हम लोग क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, है ना, मतलब आसानी से मूव करा सकते हैं दोनों को, लैपटॉप को भी टैबलेट को भी, कहीं भी ले जा सकते हैं, ट्रेन में, बस में, कार में, है ना। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, फॉर व्हाट पर्पस डू यू थिंक यू कैन यूज़ द स्मार्टफोन। अब आप स्मार्टफोन किस पर्पस के लिए यूज़ करते हो, है ना। राइट योर आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडर, तो मैंने लिखा यूज टू कॉल कर सकते हैं स्मार्टफोन से, ठीक है। यूज टू सेंड ईमेल, आप चाहे तो यूज टू ऑनलाइन बैंकिंग के लिए कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कर सकते हैं स्मार्टफोन, बहुत सारे यूज़ के लिए, सेट एन अलार्म कर सकते हैं, तो यहाँ पे वही आपको लिखना है, राइट डाउन। रॉल टॉप एक वीडियो दिया हुआ है यहाँ पे लिंक यूट्यूब का, इस वीडियो को देखने के बाद आपको रॉल टॉप के बारे में बताना है, तो रॉल टॉप के बारे में मैंने जो यूट्यूब में देखा है वो बहुत ही हैंडी होता है। डू कंप्यूटर वर्क्स टू एनी प्लेस ऑफ योर चॉइस, आप कंप्यूटर का सारा काम अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हो। एंड इट इज़ वेरी ईजी टू कैरी, सो कैरी करना बहुत आसान है, थर्मस जो होता है उस तरह से रहता है, ठीक है, हैंडी, आप शोल्डर पे हैंग करके ले जा सकते हो। नेक्स्ट, इंटरव्यू योर मॉम एंड डैड, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, एंड राइट योर फाइंडिंग्स इन स्पेस प्रोवाइडर, व्हाट डज योर फादर डू प्रोफेशन, है ना। अब बोल रहा है कि आपको अपने मम्मी और पापा का इंटरव्यू लेना है और वहाँ से फाइंड करना है कि आपके फादर क्या कर रहे हैं। सपोज आपके फादर बिजनेस मैन है, तो यू हैव टू राइट द बिजनेस मैन प्रोफेशनल प्रोफाइल, आपके सर्विस में काम करते हो सर्विस लिखेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी, फॉर व्हाट पर्पस डज ही यूज हिज कंप्यूटर, किस पर्पस पे आपके पापा कंप्यूटर को यूज करते हैं, तो मैंने लिखा टू सेंड ईमेल, टू क्रिएट प्रेजेंटेशन, टू मेक लेटर। अगर आपके फादर इज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर तो वो बहुत सारे अलार्म सेट करने पे भी यूज कर सकते हैं, न्यूज़ देखने में कर सकते हैं, वीडियो सॉन्ग्स है ना सुनने में कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग ऑफिशियल पर्पस पे यूज कर सकते हैं। राइट डाउन ऑल द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हमने बहुत सारे टाइप्स कंप्यूटर भी पढ़े हैं, ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ही यूजेस, तो मैंने डेस्कटॉप भी लिख दिया, टैबलेट भी लिख दिया और स्मार्टफोन। फॉर हाउ मेनी आवर्स डज ही यूज अ कंप्यूटर, कितने आवर्स यूज करते हैं, 2 hours, 3 hours, 4 hours, ये आपको यहाँ पे लिखना है, वो आप पर डिपेंड करता है आपके फादर कितने देर चलाते हैं। What precautions does he take while working on the computer? क्या precautions लेते हैं जब वो computer में work करते हैं, तो यहाँ पे never open a power supply, कभी भी power supply open नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि क्या क्या precautions है ना, क्या precautions आप लेते हैं उसके बारे में। Now, What precautions does he take while working on the computer? क्या precautions लेते हैं आपके father? तो never open a power supply, जहाँ से electricity हम लोग provide करते हैं computer में उसको कभी भी open नहीं करना चाहिए। Covers sharp edges inside the computer case with tapes, जो sharp edges है, नुकीला है, उस part को हम लोग को हमेशा क्या करना चाहिए, open है तो उसको हम लोग taping करके रखते हैं, इससे हमारा computer dangerous hazardous नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हाट डज योर मदर डू, इफ योर मदर इज अ होम मेकर यू राइट होम मेकर, इफ योर मदर इज अ टीचर यू कैन राइट द टीचर। फॉर व्हाट पर्पस डज सी यूज हर कंप्यूटर, टू लर्न हाउ टू मेक डिफरेंट कुकिंग वैरायटीज के लिए आप लिख सकते हो, है ना। न्यूज रीडिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, इन सब कामों के लिए आप लिख सकते हो मदर यूज द कंप्यूटर। नेक्स्ट वन इज राइट डाउन ऑल टाइप्स, ऑल द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सी यूज सेम, वही फादर वाला आप यूज़ कर सकते हो, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप। लेकिन अगर मम्मी सिर्फ स्मार्टफोन चलाती है तो आप सिर्फ स्मार्टफोन लिखो, लैपटॉप जानती है तो स्मार्टफोन और डेस्कटॉप तो जानेंगे, तो उस हिसाब से आप लिख सकते हो यहाँ पे। फॉर हाउ मेनी आवर्स, तो यहाँ मैंने 2 hours लिखा, आप 3, 4, 5, 6 hours जितना यूज करते हैं लिख सकते हो। What precautions does she take while working on a computer? अब मम्मी क्या प्रिकॉशंस लेती है जब कंप्यूटर चलाती हैं, तो वो लिखना है यहाँ पे। तो
तो नेवर ओपन ए पावर सप्लाई, पावर सप्लाई कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट रिमूव ज्वेलरी एंड सिक्योर लूज क्लॉथिंग, ज्वेलरी होगा या जो कपड़ा होता है उसको ढीला डाला पहनना चाहिए, लूजिंग होना चाहिए सो दैट वर्क करने में आसान होगा कंप्यूटर में। टर्न ऑफ द पावर, व्हेन वर्क इज कंप्लीट टर्न ऑफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट डैड डोबो, डू यू हैव फाउंड आउट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस वी यूज द कंप्यूटर, नाउ टेल मी फॉर व्हाट पर्पस डू यू यूज द कंप्यूटर, लिस्ट एनी थ्री यूजेस ऑफ, कोई तीन यूज़ बताना है कंप्यूटर। तो हम उससे ईमेल सेंड करते हैं, न्यूज़ रीडिंग करते हैं, वाचिंग मूवीज़ एंड प्लेइंग गेम्स, इसके अलावा बहुत सारा और भी दिया हुआ है यहाँ पे, आप लिख सकते हैं मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग, क्रिएट एनिमेशन, स्टोर फोन नंबर्स, नंबर ऑफ यूजेज आर गिवन, कंपोज म्यूजिक, कंट्रोल रॉकेट्स, एसेस बैंक अकाउंट्स ऑनलाइन, है ना। नाउ रिसर्च एक्टिविटी, ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर गेम, है ना, पहला कंप्यूटर का गेम कौन सा, तो फर्स्ट जो कंप्यूटर में गेम था उसका नाम है स्पेस वार, दैट विल बी डेवलप्ड इन द ईयर 1962 में डेवलप हुआ था। ये सब एक्टिविटी आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट है लिस्ट द वेरियस प्लेसेस वेयर डोबो सॉ द कंप्यूटर बीइंग यूज्ड, कहाँ कहाँ कंप्यूटर का यूज होता है, एट द मेट्रो स्टेशन, एट द कैफेटेरिया, एट द एटीएम, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। थिंक एंड लिस्ट द प्लेसेस वेयर यू हैव सीन द कंप्यूटर बीइंग यूज्ड, कहाँ कहाँ यूज़ होता है आपके हिसाब से, तो हमने यानी लिखा है स्कूल्स, बैंक्स और ऑफिस, हॉस्पिटल्स में भी होता है, इसके अलावा आप लिख सकते हो। कैन यू नेम फ्यू सच सिमिलर मूवीज और गेम्स वेयर एनिमेशन हैज बीन यूज्ड, आप बोल रहे हैं क्या आप नेम बता सकते हो कुछ ऐसा सिमिलर मूवीज़ का जहाँ पे एनिमेशंस का यूज़ होता है, तो एनिमेशंस मूवीज़ कौन कौन सा है, लाइक द आइस एज, एडवेंचर्स ऑफ बक वाइल्ड, स्ट्रेंज वर्ल्ड, है ना। एनिमेशन गेम्स की बात करें तो सुपर मारियोस ब्रोस, सोनिक अनलीश, दीज आर द एनिमेटेड गेम्स। स्पीक एनी टू डिजिट numbers and ask your friend to multiply them in a minute. Do the same calculations using calculator in computer. Who is faster, friend or computer? Obviously the computer fast होगा. What does it do without making mistakes? कौन करेगा? Computer करेगा. Obvious. Teachers are requested to demonstrate the use of calculator available in computer. ठीक है, आप सब computer lab में calculator तो I think जानते ही, सब लोग जानते हैं। अब बोला ट्राई टू रिकॉल द मोबाइल नंबर्स 10 फ्रेंड्स और रिलेटिव एंड राइट देम इन द स्पेस बट, 10 दोस्तों का आप मोबाइल नंबर यहाँ लिख पाओगे, इज इट पॉसिबल? नो, बहुत मुश्किल है, कुछ लोग लिख भी सकते हैं, अगर हम 100 बोल देंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। वेर एबल टू राइट द फोन नंबर्स विदाउट रेफरिंग टू फोन बुक और टेकिंग एनी अदर बुक? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर 1000 और 100 स्टूडेंट मोबाइल नंबर, बट इट इज़ पॉसिबल बाय कंप्यूटर्स विदाउट एनी मिस्टेक्स एंड कन्फ्यूजन्स। Now next, write the task of the purpose for which the machine shown below are used. अब यहाँ मशीन का नाम दिया हुआ, उसका पिक्चर दिया, अब इसके क्या टास्क परफॉर्म होते हैं? ये तो प्रिंटर है, इससे टाइपिंग होगा, आराम से लिख लिए हम लोग। सेकेंड वाला जो इमेज है वो क्या है? म्यूजिक सिस्टम है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? लिसनिंग सॉन्ग्स। थर्ड कैमरा है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे? क्लिक करेंगे क्या? पिक्चर्स क्लिक करेंगे, ऑब्वियस है चिल्ड्रन, वेरी इजी टास्क। फोन है, फोन से हम लोग क्या करते हैं चिल्ड्रन? मैक कॉल, कॉल करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, कंपेयर योर सेल्फ विद ए कंप्यूटर, खुद को कंप्यूटर के साथ कंपेयर करना है ना। राइट एनी थ्री टास्क इन विच यू थिंक कंप्यूटर इज बेटर देन यू, आपको तीन टास्क बताना है जिसमें आप कंप्यूटर से बेटर है। तो कंप्यूटर से आप बेटर कैसे होंगे? तो कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट गेटिंग बोर्ड, कंप्यूटर आपसे ज़्यादा बेहतर है, इसके बारे में आपको तीन पॉइंट लिखने, कैसे कंप्यूटर आपसे बेहतर है। तो इट कंटिन्यूसली वर्क विदाउट गेटिंग बोर्ड, हम लोग कोई काम कंटिन्यूस करते हैं तो वी फील बोर्डम, बोर्ड होने लगते हैं, लेकिन कंप्यूटर बोर्ड नहीं। इट नेवर फॉरगेट्स, ह्यूमन बींग्स हम लोग क्या होते हैं? भूल जाते हैं चीज़ों को, लेकिन कंप्यूटर नेवर फॉरगेट्स। इट नेवर मेक्स मिस्टेक्स, कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता, हम लोग से वैसे बहुत सारी गलती होती है, लेकिन कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक्स। राइट थ्री टास्क इन विच यू फील यू आर बेटर देन कंप्यूटर, तीन टास्क ऐसा लिखना है जिसमें आप अच्छे हो कंप्यूटर से, बेटर हो। तो पहला है कंप्यूटर कैन नॉट थिंक बाई सेल्फ बट एज ए ह्यूमन बींग्स आई हैव ए कैपेबिलिटी ऑफ थिंक एंड सॉल्व।
यहाँ पे बोल रहा है कंप्यूटर अपने आप से कुछ भी नहीं सोचता, उसके बाद इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंप्यूटर परफॉर्म द टास्क। लेकिन वी हैव कैपेबिलिटी ऑफ थिंक एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, हमारे पास थिंकिंग कैपेबिलिटी है, कंप्यूटर के पास थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं। सेकेंड मैंने लिखा, एज अ ह्यूमन बींग आई एम इमोशनल, मेरे पास इमोशंस है, रोना हंसना गाना है, लेकिन वेयर एज कंप्यूटर डोंट हैव इमोशंस, उसके पास कोई भी इमोशंस नहीं है। थर्ड पॉइंट आप खुद से लिखोगे चिल्ड्रन और कमेंट में लिख के मुझे बताओ। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिविटी ऑफ चैप्टर 2 इन कंप्यूटर। होप यू विल लाइक, थैंक यू वेरी मच।